मीठा मीठा वो देख मोटी। अच्छा चल। गुड मॉर्निंग राहुल। गुड मॉर्निंग मीठा। रिया चल तू मुझे हक कर। तुझे मैं क्यों हक करूं? मिमिता ने तो राहुल को हक किया, अब तू मुझे कर। मिमिता और राहुल बेस्ट फ्रेंड है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तब तो मैं और तू आज से बेस्ट फ्रेंड। चल हक कर। हक चाहिए तुझे? हाँ। मिल गया ना तुझे हक। चल मिमिता। कर लिया ना हक, तुझे तो ऐसे हक चाहिए था। तुम साले, तुम मेरा दोस्त हो नहीं सकते, दुश्मन है साला। मैंने क्या किया? मैं हक देता ना तुझे, और मैं सिखा दूं ना हक कैसे लेता है। भाई तो मेरे साथ ऐसे कर। राखी बुरा लगा ना, राहुल तेरा कभी नहीं हो सकता। देखा ना राहुल और मिमिता कैसे हक कर रहे थे, मुझे लगता है इन दोनों का कुछ चल रहा है। सिमी तू भी ना कुछ भी बोलती है, राहुल और मिमिता बेस्ट फ्रेंड्स है इसलिए हक कर रहे थे। तू ना कुछ ज्यादा ही बोलती है सच में। लेकिन सुन तो, तू गुस्सा क्यों हो रही है? अब तुझे मैं कैसे बताऊं, लड़कों को मोटी लड़कियां नहीं पतली लड़कियां पसंद है। इससे क्या हुआ? क्या हुआ राखी, तू क्यों रो रही है? बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता है राहुल। यस राहुल यस यस। क्या देख रही थी? वो पत्ते पत्ते देख रही थी। अच्छा पत्ते देख रही थी या फिर राहुल को देख रही थी? राहुल को? राहुल राहुल इधर आ। इसे क्या हुआ? दोबारा रुक, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? राहुल इससे मिल, ये है राखी। हाँ जानता हूँ मैं उसको, क्लास में एक साथ तो पढ़ते। पर शायद तो ये नहीं जानता कि ये तुझे लाइक करती है। ये मोटी मिमिता, मेरा ना इतना बुरा दिन भी नहीं आ गए कि एक मोटी मुझे लाइक करे। क्या बात कर रहे हो? सुनने दे बा, ये मोटी मुझे लाइक करती है क्या? देख मोटी तू बोल दे, तू मुझसे कोई प्यार प्यार नहीं करती है, नहीं तो इन लोगों से मेरा बेइज्जती हो जाएगी। नहीं राहुल, ये लड़की तुझे सच में लाइक करती है। क्यों? मैंने सही बोला ना। अगर ऐसी बात है ना तो सुन, पहले ही अपना हुलिया देख क्या, उसके बाद ही मेरे बारे में सोचना। और तेरी जैसी मोटी मेरे बारे में सोचे तो उसका लायक नहीं। चल देवा। सुन लिया ना तूने राहुल ने क्या कहा? तू राहुल के बारे में सोचे तो उतना भी लायक नहीं है।
शक्ल वकल देखता नहीं है, आ जाता है प्यार कर। प्यार शक्ल देख के बॉडी देख के नहीं होती। ये सब लाइनें ना फिल्म में ही अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। रियल लाइफ में ना ये बॉडी ये शक्ल ही देखे जाते हैं। और राहुल जैसे लड़के को ना तेरे जैसे मोटी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। राहुल को तो बस मेरे जैसी लड़कियों में इंटरेस्ट है, सुंदर, हॉट, क्यूट, स्लिम, समझ गई ना मोटी। चल अब ये मुंह उठाकर निकल यहाँ से, चल जा जा। यार ये कितनी मोटी है, एकदम हाथी जैसी। रिया ये नहीं निकलने वाली, हमें ही चलना होगा। बहुत मोटी। अब तू समझ गई है ना राखी, लड़कों को स्लिम और सुंदर लड़कियां पसंद है। तू भूल जा राहुल को, वो तेरा कभी नहीं हो सकता। राहुल को कैसे भूल जो, मैं उससे प्यार कर दी हूँ। यार इस गाड़ी को अभी फंसना था। उठ यार उठ जा। शिट यार। शिट यार। उड़ते पतंगों में। देवा थोड़ा कॉलेज के बाहर है ना। अरे यार मेरा गाड़ी फंस गया है। हाँ जल्दी आ जल्दी आ। मोटी से मत मांग। मोटी मेरा मतलब राखी, वो ना मेरा गाड़ी फंस गया है, थोड़ा हेल्प करोगी? एक काम करो राहुल, तुम गाड़ी स्टार्ट करो, मैं धक्का देती हूँ। ठीक है ओके थैंक यू। थैंक यू मोटी। और खाओ और ज्यादा फूलो और ऐसे लोगों की मदद करते रहो। राहुल ये कॉम्प्लीमेंट था या इंसल्ट? तुझे क्या लगता है, तू जैसी मोटी को मैं कॉम्प्लीमेंट दूंगा? अबे इंसल्ट कर रहा था तेरी इंसल्ट। मोटी और खाते रहे और फूलते रहे मोटी। मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मेरे इंसल्ट। क्या हुआ राहुल, तेरा गाड़ी तो ठीक ही है? अरे मेरा गाड़ी फंस गया था, इस मोटी ने मेरी मदद की। क्या इस मोटी ने? तब तो राहुल इस मोटी को अपनी गर्लफ्रेंड बना ले, कल को अगर तेरी गाड़ी कहीं पे फंस गई ना तो तुझे दिक्कत नहीं होगी। मिमी तो मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, हाथी नहीं। राहुल तुमसे हाथी क्यों बोल रहा है? गेंडी बोल गेंडी। चलो गाइस। कहा है तेरी मोटी दोस्त, आजकल कॉलेज में दिखती है। जिस दिन देखोगे ना देखते रह जाओगे। अच्छा तो ऐसी बात है क्या? बोला था ना जब देखोगे देखते रह जाओगे। तू इनसे क्या बात कर रही है? चल चल। यार ये तो कितनी मोटी थी, कितनी पतली हो गई यार, और ये बात तूने देखा कितनी सुंदर भी हो गई है। राहुल तू रुक रुक रुक। राखी क्या हुआ राहुल? मैं ये बोलना चाह रहा था कि तुम इतनी मोटी से इतनी पतली कैसे हो गई, कितनी सुंदर भी हो गई हो। राहुल
उस दिन खाऊंगी मैं और खाऊंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मोटी हूँ, जेंटी हूँ, हैप्पी हूँ, कुछ भी हूँ। मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत ब्यूटीफुल हूँ। लोग चाहे मुझे कुछ भी बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बोलने को लोग मुझे हंसी बोलते हैं ना, बोलने को मुझे फर्क नहीं पड़ता। रो मत जिमी, अब मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं अब डाइट करूंगी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तू वो भी डाइट करेगी? हाँ, तेरे बस की नहीं है राखी। हाँ जिमी, डाइट करेगी। डाइट मेरे बस की बात नहीं है, पर मैं क्या करूँ, मैं राहुल से प्यार करती हूँ, मैं उसे भूल नहीं सकती। और तूने देखा ना, राहुल को मुझ में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। सिमी कुछ ऐसा करना, मुझे तेरी तरह पतली बना दे। पतली होना है तुझे? हाँ, तो डाइट कर और ये सब खाना छोड़ दे। वो मेरे से नहीं होगा, डाइट के अलावा तू जो बोलेगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। सिमी कुछ ऐसा कर, मुझे तेरी तरह पतली बना देना। तो चल मेरे साथ। कहाँ? चल तो सही, चल चल। सिमी हम कहाँ जा रहे हैं? तो चल तो सही। सिमी हम कहाँ जा रहे हैं? सिमी उड़ते पतंगों में होली वाले जी। राहुल से प्यार करती है ना? हाँ। तो जिम तो करना पड़ेगा। मुझसे जिम नहीं होगा। तो फिर राहुल को सिमी जिम करना जरूरी है? हाँ जरूरी है। सिमी रुक, अंजल का मुझे डर लग रहा है। सिमी कहीं सिमी ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? ज्यादा तो आप होगा। देख सिमी फोर्टी टू, फोर्टी थ्री, फोर्टी फोर, फोर्टी फाइव, 46, 47, 48. सिमी, बस आज के लिए हो गया। राखी 100 और बाकी है, चल कर। पतली होगी और रवि तेरा। ये सब मैं शहर के लिए कर रही हूँ, मैं अपने लिए क्यों नहीं कर सकती ये सब? राखी हमने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया, अगर हो सके तो हमें माफ कर दो। इट्स ओके राहुल, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। चल सिमी। राखी देखना अब तुझे राहुल रोकेगा। राखी मुझे उस समय तुम्हारी फीलिंग्स का एहसास नहीं था, और आज मुझे एहसास हो रहा है कि तुम मुझसे इतना प्यार करती थी और इतना कुछ तुमने मेरे लिए किया। राखी जा, राहुल का अलग वो बोल दे। मुझे पता है कि तुम अभी मुझसे प्यार करती हो। हाँ ये बात सही है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, पर हाँ दूसरी बात गलत हो गई कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। राखी ये तो क्या बोल रही है? सिमी मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। राहुल कल को मैं अगर फिर से मोटी हो जाऊंगी, फिर से बदसूरत दिखने लगूंगी, तुम फिर से मेरे मोटापे का मजाक बनाओगे ना? नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब से ऐसा नहीं होगा।
हाँ राकेश, सच में राहुल अब से ऐसा नहीं करेगा और हम भी नहीं करेंगे। राखी, तूने जिसके लिए इतना कुछ किया आज वो तेरे सामने है और तू इसे ठुकरा रही है। हाँ, क्योंकि पहले मुझे राहुल से प्यार था पर अब सिमी, अब मुझे अपने आप से प्यार हुआ है। हमें किसी और की प्यार की क्या जरूरत है, हम खुद से प्यार क्यों नहीं कर सकते। पहले मैं मोटी बदसूरत थी, तब राहुल ने मेरी बेइज्जती करी और अब जो मैं पतली हो गई हूँ, अच्छी दिखने लगी हूँ, तो इसे मुझ पे बड़ा प्यार आ रहा है। प्यार सूरत देखकर नहीं होता, ना ही बॉडी देखकर। तो मुझे अब किसी की प्यार की जरूरत नहीं है। जब हम खुद से प्यार करते हैं ना सिमी, तो फिर हमें किसी और की प्यार की जरूरत नहीं होती। अगर आप भी ना मोटे हो, पतले हो, गोरे हो, काले हो, लंबे हो, नाटे हो, कुछ भी हो, अपने आप से प्यार करो। क्योंकि जब हम खुद से प्यार करते हैं ना, तब राहुल जैसे गधे का प्यार हमें नहीं चाहिए।